हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन भेजा है कांचा जी ने, आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले वेट्स 15.45 ग्राम एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज 38.0%। इफ द पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.70, फाइंड द वाइड रेशियो पोरोसिटी ड्राई ब्लॉक यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। पहले देखिए दिया क्या गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सैचुरेटेड यूनिट, सैचुरेटेड क्ले मतलब कि यहाँ पहले दे दिया गया एस इक्वल टू क्या है 100%, मतलब कि जब हम बात आएगी एस इक्वल टू क्या रखेंगे 1। और यहाँ पे वेट दिया किसका, मतलब जो सैचुरेटेड है तो यहाँ पे वेट कैपिटल डब्ल्यू यहाँ बात करेंगे, ये आएगा हमारा 15.45 ग्राम। ये 45 ग्राम दोस्तों यहाँ पे इसका मॉइस्चर कंटेंट, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो वाटर कंटेंट बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू से यहाँ है 38.0%, मतलब इसको हम ले सकते हैं 0.38। इफ द पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं जी, यहाँ हमारा दिया 2.70। तो बोला गया कि हमको क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ निकालना पहले वाइड रेशियो क्या होगा, पोरोसिटी क्या होगा, एन क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट मतलब कि दोस्तों गामा डी क्या होगा, और बल्क यूनिट वेट मतलब कि गामा बी या फिर क्या बोलते हैं गामा क्या होगा। आइए हम दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे इन सभी का आंसर हम यहाँ पे पाएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ दिया गया है एस डब्ल्यू और जी, हमको एक रिलेशन पता है उससे हम निकाल पाएंगे वाइड रेशियो आसानी से। आइए देखते हैं कैसे। हमको पता है एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू जी, अब यहाँ से इक्वल टू निकालना चाहते हो जाएगा डब्ल्यू इंटू जी अपान एस, तो हम सभी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया है वाटर कंटेंट, ये हमारा है 0.38 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया है 2.70। और यहाँ देखिए एस की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों 1, क्योंकि क्या है सॉइल सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो हमारी जो वाइड रेशियो है वो निकल के आती है हमारी, इसको हम 1.026 हमारी आ गई वाइड रेशियो। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है पोरोसिटी, पोरोसिटी इक्वल टू हम बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा होता है क्या, इसको दोस्तों कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, होता है हमारा एन इक्वल टू ई अपान 1+ E, ई हमारा क्या है वाइड रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा 1.026 अपान 1+1.026। अब यहाँ पर अगर पोरोसिटी निकालें दोस्तों तो इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 0.506, इसका परसेंटेज चेंज करें दोस्तों ये हो जाएगा 50.6% दोस्तों हमारी आगे क्या पोरोसिटी। अरे दोस्तों हम आगे सॉल्व करते हैं, पूछा गया ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट, इसको हमको निकालना जरूरी हो जाता है। तो हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, तो गामा डी इक्वल टू दोस्तों हमको पता है जी गामा डब्ल्यू अपान 1+ E होता है, सभी को वैल्यू हमको पता है, जी को वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है 2.70, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी को वैल्यू हमारी क्या है 2.7। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2.7, और ग्राम पर सीसी में है तो इसको दोस्तों गामा डब्ल्यू हो जाएगा 1 ग्राम पर सीसी अपान 1+ यहाँ पे जो वाइड रेशियो निकाला था 1.026। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमने क्या रखा है यहाँ पे गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। ये और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जब गामा डी इक्वल टू निकालेंगे सभी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 1.33 ग्राम पर सीसी। ये दोस्तों हमारा क्या निकल गया ड्राई यूनिट वेट। लेकिन हमको बल्क यूनिट पूछा था तो हमको पता है दोस्तों गामा डी इक्वल टू क्या होता है गामा बी, जिसको हम बल्क यूनिट बोलते हैं 1+W। अब इसी को हम यहाँ पे क्या रखें इसी फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे गामा बी। हम इसको निकालना चाहें तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा गामा बल्क यूनिट वेट इक्वल टू हो जाएगा गामा डी इंटू 1+W। आइए लिखते हैं वैल्यू, तो गामा बी इक्वल टू क्या होने वाला है, गामा डी हमने निकाला 1.33 × 1+W, मतलब कि वाटर कंटेंट हमको पता है कहाँ पे है 0.38, तो इसको हम लिख देंगे 0.38। अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो हमारा गामा बल्क यूनिट वेट जिसको हम बोलते हैं वो भी निकल के आएगा, वो आएगा 1.84 ग्राम पर सीसी। ये दोस्तों हमारा क्या है बल्क यूनिट वेट। इस प्रकार से दोस्तों हमारे सारे आंसर निकल के आ गए यहाँ पे। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसको हमारे तक भेज सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।